चरण को धनी न छुड़ायो खिन, लाख तलीला लेड़िया मेरे जीव के यही जीवन, पिया मेरे जीव के यही जीवन। अथाह थाह नहीं ऊंचा नीचा, गहरा गिरदवाए मोहजला, चौ लोक चौ दे खेले जीव या के, या को सुजे न या की कल, या को सुजे न या की कल, सत ढाप्या पीठ देवाई पिया को। प्रणाम सुंदर सर। आप धाम धनी अक्षरातीत श्री राज्य महाराज और धाम धनी के अति प्यारे प्राणधार सुंदर शाह जी, प्यारे सज्जनों, माताएं, बहने, भाई वर्ग सबको मेरा प्रणाम। आज जागने यात्रा धाम धनी श्री प्राणनाथ जी की वाणी का ये बिगुल, ये सत्य की मिसाल, ये निजानंद की मिसाल लेकर के पूज्य स्वामी जी झालोद में पहुंचे और ये वाणी का गायन के माध्यम से और चर्चा के माध्यम से ये मिशन को, ये लक्ष्य को समझाया जा रहा है। कई भाई नए होंगे, कई भाई पुराने होंगे, पर सत सभा में शामिल होना पुण्य का काम है। कैसा काम है? अच्छा काम करना पुण्य का काम है। सत्संग की आधी घड़ी तपके बरस, बड़ा काम की चीज है भाई। कई जन्मों तक हम बंधुगण इस ब्रह्मांड के अंदर यत्र तत्र भ्रमण करते किया होगा, कहीं पत्ते खा करके गए होंगे, कहीं कंदमूल खाया होगा, तब जाकर के ब्रह्म सत्संग में मेल पड़ा। ये मेरिट आया ना, तो हम ये निजानन जागनी अभियान के ब्रह्म सभा में शामिल हुए, नहीं तो हमारी इतनी ताकत नहीं है साथियों कि ब्रह्म सभा में जाके बैठ जाए। बोलो श्री। ये ब्रह्मलोक नहीं है, ये हड़हड़ता कलयुग है। कैसा है? हड़हड़ता कलयुग है साथियों। ये अथाह थाह नहीं, हम मोह सागर के अंदर बैठे हैं। यहां की रीति हम देखे तो जब से सूरज देखिया लेत अंधेरी घेर, पशु पक्षी और आदमी फिरत यहीं के। फिर यहां जैसे सूरज उगता है और जीव राजा का बंधन शुरू हो जाता है, सारे बंधन में जैसे करोलिया जाली बुनता है, वैसे हम लोग दिन प्रतिदिन जालियां बुनते। व्यापारी अपनी तरीके से, नौकरी वाला अपनी तरीके से, किसान अपने तरीके से, सब जाली। अब इंद्रियों के माध्यम से जीव जाली बुनता है और फंदमा पड़ती है आत्म। बोलो श्री। जाली कौन बुनता है? जीव। किसके माध्यम से? इंद्रियों के माध्यम से। और ये जो दृश्य कौन देखती है? आत्मा। आत्मा कुछ करती नहीं है, फिर भी दृष्टा है, वो देख रही। वैसे वैसे बंधन में पड़ती जा रही। अब दुनिया का बंधन हो तो छुड़ाया जाए, पर माया का बंधन बिना रस्सी का साए भी उसको कोई छुड़ा नहीं सकता। जब तक साचा सदगुरु ना मिले, तत्व रूपी तलवार, तात्व रूपी तलवार, जान रूपी तलवार से जब तक जीव के अंतर के सूक्ष्म बंधनों के ऊपर वार ना करे, तब तक ये छूट सकता नहीं, नहीं छूटेगा। कोई साचा सदगुरु मिले तो, नहीं तो पत्थर नी नाव वाला मिलिया तो फिर समुद्र के तलिए कब पहुंच जाए पता चलेगा नहीं। ये भव सागर कोई सामान्य सागर नहीं है, ये दुनिया का सागर नहीं है। सुखदेव मुनि को जब पूछा गया कि मुनिवर संसार का आपने माप नापतोल किया, तो सुखदेव मुनि बताते हैं कि मैंने संसार के सारे सागर को नापा, तोला, परखा, पर जहां मोह सागर की बात आई, भव सागर की बात आई, किसकी बात आई? इस दुनिया को मोह सागर भी कहते हैं और भाव सागर भी कहते, उसकी बात आई तो सुखदेव मुनि कहते मेरी कलम भी रुक गई और शब्द भी गायब हो गए। बोलो श्री। मैं धुंधला हो गया, जैसे अंधे को समझ में आता ना,
अंधे को थोड़ा सा दिखता हो और सामने सूर्य का प्रकाश आ जाए तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि सामने क्या है। तो भवसागर की बात आई, उसमें सुखदेव मुनि भी ब्रह्मित हो गए कि किसका वर्णन करूं, कहां से वर्णन करूं, क्योंकि भव संसार के सागर तो पृथ्वी के ऊपर है, पर भव सागर जो मोह का सागर है तो पाताल से लेकर के निराकार तक उसकी परिधि है, उसको नाप तोल कोई नहीं कर सकता। बाप बोलो श्री। और उसी इसी भव सागर के अंदर, अब मोह सागर किसको बोलते हैं पहले समझ लीजिए, ब्रह्मांड का जो बंधन है, जीव का जो बंधन है वो मोह से शुरू होता है, इसलिए शास्त्र कहते हैं मोहात् जगत कारणम, जगत को बंधन में पड़ने के कारण ही क्या है मोह। ब्रह्मांड जो ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं वो किसके बंधन में, उसमें रस्सी तो बांधी नहीं है, जो गोल गोल घूम रहे सूर्य भी अपनी गति में, चंद्रमा भी अपनी गति में, पृथ्वी भी अपनी लाइन में, उसको किसी ने रस्से से बांधा, कील से किसको गाड़ा है उनको, नहीं, फिर भी एक गति में क्यों घूम रहे। तो विज्ञान कहता है भाई गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है, कौन सा, साइंस में उसको गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं और शास्त्रों की भाषा में उसको मोह कहते हैं। और आज मोह का बंधन सृष्टि के अंदर, प्रकृति के बंधनों में हम लोग हैं, तो सृष्टि को चलाने में भी मोह का बहुत बड़ी भूमिका है मोह की, क्योंकि अगर माता पिता का मोह ना होता तो बच्चे का कभी भी वो पालन करते नहीं, पालन करते, कहीं न कहीं मोह का बंधन है। पर हम मोह का बंधन ऐसा बना लेते हैं कि यही करोलिए की जाल में फंस जाते, हमको पता ही नहीं है कि हमारा हम कहां से मोह के बंधन में पड़े। तो श्री प्राणनाथ जी अपनी आत्माओं के अमन लोक से इस नश्वर जगत के अंदर निजानंद क्रांति लेकर के आए, धर्म की ध्वजा लेकर के आए और दुनिया में आकर के बताया कि दुनिया वालों जागो, जिस सृष्टि के अंदर बैठे हो वो मोह का बंधन है, उसमें मनुष्य बनता जाता है। तो उसको खोलना कैसे, हम लोग कैसे बंधे हैं, जैसे कोई सांप, सांप के ऊपर करचली होती ना जाली, जब तक सांप जाली से छूटता ही नहीं तब तक उसको गति मिलती नहीं है, और गति पानी है तो उसको जाली छोड़नी पड़ती है। वैसे ही हम माया में आए हैं, पर मोह का बंधन, मोह का पर्दा जब तक हमसे दूर ना होगा तब तक ब्रह्म की पहचान होने वाली नहीं है, आत्म तत्व की पहचान होने वाली नहीं है। हम कौन है, भाई होंगे तो अपने आप को भाई मानेंगे, बहन होगी तो अपने आप को बहन मानेगी, पर भाई बहन माता पिता बंधु उन सबसे एक परे रिश्ता है, जिस रिश्ते का नाम है प्यारे सुंदर साजी आत्मा और परमात्मा का। जो संसार नहीं था तब भी वो रिश्ता हमारा था, संसार नहीं रहेगा तब भी वो रिश्ता रहेगा, और उसी को जानने के लिए, इसी रिश्ते को जानने के लिए ऋषि मुनि पैगंबर युगों की साधनाएं करते हैं, इसी को, इसी रिश्ते को जानने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश हमेशा समाधियों में लगे रहते हैं, दुनिया संसार के काम में लगे रहती है और संसार को चलाने वाले अपनी मस्ती में लगे रहते हैं। वो आत्म संसार शरीर का आनंद ढूंढता है और देवता आत्मा का आनंद ढूंढते हैं। अब श्री प्राणनाथ जी ने ब्रह्म ज्ञान दिया, तत्व ज्ञान दिया, तब हमको पता चला अरे शरीर से परे भी आत्मा तत्व है और उसका आनंद महानंद है, उसकी खोज करो, उसी को जानने के लिए देवी देवता तरसते हैं। बोलो श्री। पर क्या करे, कबीर जेवन जैसे ने बहुत ताकत लगाई कि बहुत दौड़ी तो शून्य तोड़ी आड़ी पड़ी निराकार। हम लोग मूल तत्व को नहीं जानते हैं। आखिर में ब्रह्मा विष्णु महेश ने तो देवी भागवत में कह दिया, अहम ब्रह्मा अहम विष्णु शिवो अहम इत मोहिता ना जानीमो वयम धात परम वस्तु सनातन। भाई जिसको परम सनातन सत्य कहते हैं उसको हम भी जानते नहीं है, वो खुद स्वतः प्रकट होगा और दुनिया में आकर के बताएंगे। इसलिए तो भोलेनाथ को हिमालय छोड़ करके दुनिया खातिर कहना पड़ा कलिर धन्य महेश्वर, कहे कलयुग तू धन्य है कि तेरी गोद में परमात्मा के चरण कमल पड़ने वाले हैं और ये धरा सदा सदा के लिए अखंड हो जाने वाली है। तो प्यारे सुंदर साजी संसार में आकर के हम उस दुनिया में आ गए जहां
असत जड़ और दुख का पसारा है। किसका पसारा है? हर वस्तु झूठी है, रिश्ते झूठे, लोग झूठे, संबंध झूठे और सेज झूठी। और कैसे पता चला? कोरोना से बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया कि पहले पति कहता था अरे पत्नी मेरे बिना जी नहीं सकती, जब पति को कोविड लगा रहे हाथ नहीं लगा सकते हो भाई, बेटे को लगा बाप के नहीं भैया, ये रिश्ते की पहचान हुई। किसकी? सगा संबंध को पता, ये खबर नहीं भैया, ये वो चला नाम नहीं साहेब, हकीकत सत्य का पता चला। ये परमात्मा की एक तरफ से कृपा हुई प्यारे साथियों कि वास्तविकता पता चला कि हमारा अखंड धन कौन सा है, हमारा अखंड वर हमारा कौन है, हमारा अखंड घर कौन सा है। प्यारे साथियों, हमने पीठ दी संसार के तुच्छ सुखों के लिए, अखंड घर को भूल गए, अखंड सुख को भूल गए, अखंड धाम को भूल गए। जीव तो भूले भूले पर सुंदर साध भी भूले। तब जाकर के श्री जी को कहना पड़ा शाबाश तुम्हारी अरवाहों को शाबाश हाइडे सखत। जब पहचान कराने के बाद भी पहचान ना हो तो उनको शाबाशी दी जाती है। क्या दी जाती है? आज दुनिया ढूंढती है शांति, आज दुनिया ढूंढती है प्रशंसा, प्रसन्नता। पूज्य स्वामी जी ने कल परसों की सभा में बताया था, टाटा बिल्ला वाला भी कहते हैं कि भैया हमको शांति मिल जाए वो भी गोली खा करके जीते हैं। क्या खा करके? निद्रा की गोलियां लेनी पड़ेगी। क्यों? कि ज्यादा पैसा होता है तो भी दुख, नहीं होता है तो भी दुख। अगर बराबर रखना है तो सम्य अवस्था में आने के लिए परमात्मा की आराधना करनी पड़ती। ये साहिब कृपा से आता है, ये सब शांति अंदर से है, बाहर से नहीं है। लकड़ी के अंदर आग पड़ी हुई है पर उसको चिंगारी की जरूरत है। किसकी? चिंगारी। ये लकड़ी जलती है कोई बाहर से आग थोड़ी आती है, आग कहां से आती है? अंदर से। धर्म का पालन करोगे शांति अंदर से प्रकट हो जाएगी। आपको मैं 5-6 बातें बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ। मन की प्रसन्नता, ध्यान से, मन की प्रसन्नता, चित्त की शांति, समझ में आया ना? ये अंदर थी प्रकट था। क्या थी प्रकट था? अंदर थी। अन ये धर्म के चरण में रहते हैं तब आपने कोई ने गुमड़ू थयु हो ते रूज पण क्या थी आवे? अंदर थी कि बाहर थी? अने भरी गर्मी होय, मई महीनो होय, 12 वाग्या होय, टाड़ सड़ीन ताव आयो हो, ठंडी लग के बुखार आया हो, तो ये ठंडी क्या थी आवी? अंदर थी कि बाहर थी? बोलो तो खराब आप, बोलो श्री। ये ठंडी क्या थी आवी? अंदर थी। आशीर्वाद और श्राप, आ घना साधु संतों ने आ बात बतावी छे। किसी को आशीर्वाद देते हैं ना तो भी साहेब देने से आशीर्वाद नहीं मिलती, वो अंदर से कब निकल जाते है पता नहीं चलता। श्राप भी ऐसा ही है, वो देने से नहीं, वो अंदर से निकल जाता पता नहीं चलता। आपको मैं बताऊं, श्राप की जहां तक बात आती है, भगवान श्री राम उनके जो पिता थे राजा दशरथ, अब विचार तो कीजिए, राजा दशरथ, भगवान श्री राम त्रिलोकी नाथ है, उनके पिता लौकिक पिता बने। जब श्रवण अपने माता पिता को दर्शन कराने के लिए 68 तीर्थ के लिए जा रहे थे, राजा दशरथ को पता चला कि श्रवण पानी भरने के लिए अंधेरी रात की काली मां छाई हुई थी और खाट खाट डगला भर करके आते हैं, पानी के सरोवर में घड़ा डुबाया, शब्द भेदी बाण दशरथ ने मारा साहेब, और आखिर में उसके पिता दुख से व्याकुल हुए कि पानी नहीं लाया, मेरा बेटा कहाँ गया। इसलिए कभी भी किसी को भी प्यास के लिए और खाने के लिए तड़पाना, किसी का गला घोट करके खाना खाना चाहिए नहीं, नहीं तो श्राप लग जाता है। वो तपस्वी नहीं है, फिर भी ऐसे तो तपस्वी है, पर कब किसके दिल से निकली हुई आह दुखी कर दे पता चलेगा नहीं। और दशरथ को श्राप लगा
कि जैसे मैं मेरे पुत्र के वियोग में शरीर छोड़ रहा हूं, जा रे राजा तू भी तेरे पुत्र के वियोग में शरीर छोड़ेगा। बोलो श्री। और शास्त्र गवाह है कि उसको उनको शरीर छोड़ना, ये तो हुई बात श्राप की, आशीर्वाद की बात बता दो। राज्य के चरणों में परमात्मा के कदमों में कोई भी काम करोगे, कोई भी काम एले जाने वाला नहीं है। धर्म के रास्ते के ऊपर प्रसन्नता से चित लगा के काम करोगे। आपको मैं बात बताऊं, अगर दृढ़ विश्वास होगा और दिल की दातारी होगी, सुकड़े हुए दिल से अगर प्रार्थना करोगे कभी सफल नहीं हो सकती, सुकड़े हुए दिल से भक्ति करोगे कभी सफल नहीं हो सकती। साहेब भक्ति के लिए, दातारी के लिए दिल के अंदर प्रसन्नता होने चाहिए, दिल के अंदर दातारी होनी चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए, दिल सुकड़ा होना नहीं चाहिए। कैसे आपको बताता हूं, ध्यान से बोलो श्री। भाई समझ में आ रही ना बात प्यारे साथियों? जूनागढ़ का प्रसंग है। जूनागढ़ के दामा कुंड के पास में एक साधु हमेशा साधना करता था, और उसी तलेटी में उस जमाने के अंदर ऐसा था, गरीबी व्याप्त थी। कटिहारा के बच्चे थे, बचपन में उनके माता पिता गुजर गए थे। माता पिता का छाया उड़ जाता है तो उनको पता चलता है कैसे गुजरान किया जाता है, पर परमात्मा का छाया रहता है ना साहेब, तो कभी भी जीवन में पता नहीं चलता। बाप बोलो श्री। बस संसार से नाता भले टूट जाए, पर परमात्मा के चरणों से नाता अगर जुड़ जाए तो संसार में कुछ भी प्यारे साथियों, कब संसार के अंदर से हमारी ट्रेन गुजर गए पता चलेगा, दुख की थप्पड़ नहीं पड़ेगी। पर दिल के अंदर संस्कार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संस्कार रूपी संपत्ति, धर्म रूपी संपत्ति होनी चाहिए, तो हमको इस भव सागर से पार होने में सहयोग मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा। ये जो दो बच्चे थे, बच्चे का नाम था और भाई का नाम था देवला, बहन का नाम था रूपाली। साहब ऐसा दिन आ गया ठंडियों में कहीं भी रोजगार नहीं, जिस हथियार से लकड़ी काटते थे वो हथियार भी धार खत्म हो गई। भाई ने कहा बहन आज मुझे सुबह सुबह बहुत भूख लगी, घर में कुछ खाना बाना है या बना दो। बहन ने कहा भाई मैं शाम से भूखी सोई हूं, आज हमारे हथियार में धार ही नहीं है, तो लकड़ी नहीं काटी तो हम खाना क्या खाएंगे? तो के हम अपने पिता, हमारे माता पिता हम धार्मिक थे, उनकी आबरू को गिरवे रख करके साहेब लोहार के पास से दातरी ककरावी, धार निकलवाई और सुबह सुबह लकड़ी लेने गए और गिरनार की घाटियों में लकड़ी काटी तो सुबह सुबह देखा एक साधु ठंडी से कपकपी छूटी हुई है, कांप रहा है। भाई बहन ने कहा बाप भैया अरे आज हमारे नजरों में साधु आया है तो आज लकड़ी हम बेकने नहीं जाएंगे, आज साधु ना चरणों में तापड़ू कर देंगे। बाप आज मोको से भले दर्शन करी मरी जैसू तो भारतनी भूमि में जैसू अन परमात्मा ना चरणों में स्वर्ग मल से। बाप अन साहेब पेटना खाडो भूली गया, संतना चरणों में तापड़ू करियो। एटले साधु ही साहेब ये वक्त ना तपेला साधु हता, तपस्वी साधु थे। अरे धीरे धीरे ठंडी उड़ती गई, संत के रुधिया में से साहेब आशीर्वाद निकले कि जाओ आज से तुम्हारी गरीबी की ठंड उड़ जाएगी, तुमने परमार्थ की ठंडी उड़ाई है, एक साधु की ठंडी उड़ाई है, तुम्हारे जन्मों जन्मनी ठंडी उड़ेगा। और बाद में रूपाली बेन जूनागढ़ ना राजा के साथ शादी हुई और रानी बनी। उसके बाद इनका जो भाई था बावला, बावला मिट के बावदीन बना और दीवान बना। आज भी जूनागढ़ में जाकर के देखना उसके नाम की कॉलेज है। ये परमात्मा के चरणों में सर्वस्व समर्पण किया था, उसका परिणाम मिला था। प्यारे साथियों परमात्मा के चरणों में जाना है तो अपने आप को मिटाना पड़ेगा। दाने धूल में मिलके गुले गुलजार होते हैं। आज श्री प्राणनाथ जी का ये कारवा चला है, कई बंधुगण सोचते होंगे कि ये कौन लेकर के आया है,
ये क्या है, किसका कारवा है? तो बताऊं साथियों, जिसकी खोज में देवी देवता पीर फकीर हमेशा आराधना करते हैं, ओलिया लीला सूफी बंदगी करते हैं, उनकी ये यात्रा है। जिसकी यात्रा श्री प्राणनाथ जी नवतनपुरी से लेकर के पन्ना जी लेकर के चले थे, महाराज ठाकुर के दिल में बैठ करके आप धाम धनी श्री जी साहेब जब जागनी यात्रा लेकर के चले थे, साधु संतों को, फिर फकीरों को, सबको संदेशा दिया था, जहां सुंदर साथ मिल जाए, ऊंच नीच, गरीब अमीर, तेरा मेरा, सबसे दूर हट करके हरि को भजे सो हरि का होई, इस मार्ग से प्यारे सुंदर साथ जी श्री जी निकले थे। एक दृष्टि केवल सुंदर साथ। जब श्री जी पहुंचे थे प्यारे सुंदर साथ जी ठठा नगर में श्री जी पहुंचे, उनमें देखा कि परम धाम की आत्मा तो है पर सेठ बनी बैठी है। क्या बनी बैठी है? सेठ। अरे सुंदर साथी, उनको नाम पता है कि लक्ष्मण सेठ। क्या नाम है? लक्ष्मण सेठ। प्यारे सुंदर साथ जी, उनको माया की सागर से कैसे दूर करते हैं? अब लक्ष्मण सेठ है, चतुर्णा पोहकरणा जिंदादास माली आकर के बताते हैं कि सेठ आप भागवत तो जानते हो, पर भागवत के अंदर वर्णन आता है कृष्ण का, उसको जानते हो और उनकी लीलाओं को जानते हो? बोले लीलाएं उनकी ब्रज की और रास की लीला है। वो कहां पर है? तो के गोकुल मथुरा में। कहां है? क्या उसको देखा जा सकता है? तो के दिव्य दृष्टि चाहिए। क्या चाहिए? चतुरा पोहकरणा जिंदादास माली कहते हैं, सेठ जीते जीव दृष्टि नहीं मिलेगा तो मरने के बाद तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अगर भक्ति नहीं किया तो शमशान में भूत बनेंगे, अगर कुछ भक्ति कर लिया तो स्वर्ग मिलेगा, बाकी दिव्य लीलाओं का दर्शन करना है तो जीते जी मेहनत करनी पड़ेगी। पर ये मेरे नौकर है, तुमने कहां सुना? तो कि हमारे नगर में एक सेठ आए, एक संत आए। उनको पहचान तो श्री जी की थी नहीं। सुंदर साथ आखिर में जाते हैं, तीन दिन चर्चा सुनते हैं, पूछते हैं कौन है? वो संत है। फिर उनको मार्कंड का दृष्टांत देते हैं और बताते हैं जैसे मार्कंड ऋषि ने माया मांगी थी, अपने आप को स्त्री के रूप में देखा और आखिर में माया ने विकराल रूप धारण किया, एक स्त्री के रूप में मार्कंडे देखने लगे। माया जब माथे पर चढ़ के तांडव नाच करे, कैसा नाच? तांडव। तो पता चलता है कि माया किसको कहते हैं। साथियों जब ध्यान से बोलो श्री प्राणनाथ, बस 5 मिनट चिंता नहीं करना। पर ये पहचान श्री जी की कैसे हुई थी वो मैं बताता हूं। लक्ष्मण सेठ को कहीं जागनी यात्रा में हम बंधुगण आए हैं तो हमको भी अगर वाका चुका कहीं दोरा हो तो सीधा हो जाएगा, इसलिए बता रहा हूं। कोई जन्मों जन्मनी गांठ लगी हो तो खुल जाएगी। श्री जी की जब यात्रा थी जागनी यात्रा, लक्ष्मण सेठ को चतुरा पोकरणा और जिंदादास माली बताते हैं कि सेठ कि आपने समझा कि ये संत है, ये संत नहीं है। जैसे मार्कंड स्त्री के रूप में अपने आप को देखा और फांसो खाने जा रहे थे और नारायण को पता चला कि मार्कंड अब माया का बरोबर तांडव हुआ है और उनको याद दिलाते हैं, वैसे ही प्यारे सुंदर साथ जी मार्कंड अपने आप को तालाब पर देखते हैं, वैसे ही श्री बताते हैं कि जैसे मार्कंड ने माया मांगी थी और वो स्त्री का सपने में स्त्री का रूप धारण किया वरदान के रूप में और माया देखी, वैसे ही हमने भी परम धाम में क्या मांगा था? माया। क्या मांगा था? माया, दुख मांगा था। और प्यारे साथियों मार्कंडी जैसे हम लोग भी भूल गए तो श्री जी को पुनः गांव गांव नगर नगर वाणी के रूप में आना पड़ा। इसलिए प्यारे साथियों सज्जनों ये निजानंद की क्रांति है। आप श्री प्राणनाथ जी अपनी वाणी में बताते हैं कि सत ढांप्या पीठ देवाय पिया को झूठ लाया नजर, और माया के संसार के अंदर हमारी झूठ में नजर फंस गई, इसलिए हम भी प्यारे सुंदर साथ जी नेहचल धनी को भूल गए और भुलाए दियो घर, असली घर को भूल गए और संसार के घरों में अपनी अपनी ढपली बजाना शुरू कर दिया। तमारा रिंगणन हमारा तुमड़ा एमाथी आपड़े ऊपर आएवा नहीं तो आना थी दूर हर करके एक आत्मा भाव में आएंगे तो इत ही धन धन और
उतनी ही धन धन। इतना स्वीकार कीजिए। अब चौपाई दोहराइए, बोलो श्री प्राणनाथ। सत ढाप्या पीठ देवाई पिया को, ढाप्या पीठ देवाई, झूठ लाया नजर, झूठ लाई, ने चल राज सुहाग धनी को, ने चल राज सो भुलाई दिए घर, सो भुलाई दिए। बोलो श्री प्राणनाथ।